हेलो फ्रेंड्स, सिंपल वीडियोस इन कुकिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मटर का बहुत ही चटपटा नाश्ता बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई नई रेसिपीज आप तक सबसे पहले पहुंच सके, कोई भी रेसिपी आप मिस ना कर पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे मटर का नाश्ता बनाना। देखिए फ्रेंड्स, मटर का नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो ये मटर लिया है एक बाउल, उसको हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसको हम दरदरा पीस के तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मटर को इस तरह से पीस के तैयार कर लिया है। इसको हमको इसका पेस्ट नहीं बनाना है, इस तरह से हमको इसको दरदरा सा ही रखना है। अब हम इसको एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो मटर पीस के तैयार किए थे इनको मैंने मिक्सिंग बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर ये डाल देंगे आधा छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक। अब हम इसमें एक ही बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे, 1/4 छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच इसमें हम चाट मसाला डाल देंगे। चाट मसाले की जगह आप अमचूर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे सौंफ आधा छोटा चम्मच। अब हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच नमक, आप नमक अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ये 4 चम्मच बेसन डाल देंगे, 2 चम्मच हम इसके अंदर सूजी डाल देंगे ताकि जो हमारा मटर का वो नाश्ता है वो कुरकुरा बने। इस तरह से आप 2 चम्मच डाल दें। अब इसमें हम डाल देंगे ये लाल मिर्च पाउडर स्वाद के अनुसार। मैंने यहाँ पे ये 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। अब हम इसको हाथों की मदद से इस तरह से मिक्स करते हुए इसको एक डो की तरह बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको मसलते मसलते इस तरह से ये आटा लग के तैयार हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इसमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि जो मटर होते हैं उनमें भी काफी पानी होता है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो हमने सूजी डाली है वो अच्छे से फूल के तैयार हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो डो है उसको रखे 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा जो डो है वो अच्छे से सेट हो गया है। अब हम हाथों पे थोड़ा सा इस तरह से ऑयल लगाते हुए ये देखिए, और इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, जैसे हम टिक्किया बनाते हैं वैसा हम लेंगे और इस तरह से हम इसको गोल कर लेंगे। अगर आपकी टिक्किया आसानी से नहीं बन पा रही है, अगर आपका जो डो है वो थोड़ा पतला है तो आप इसके अंदर बेसन का यूज और कर सकते हैं। इस तरह से आप गोल कर लें और फिर इसको इस तरह से आप दबाते हुए इसको चपटा कर लें और इसको टिक्किया की शेप दे दें। देखिए, टिक्किया आप अपने पसंद के अनुसार छोटी या बड़ी बना सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी टिक्किया बन गई है। ये देखिए, इस तरह से हम सभी टिक्किया बना के तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये टिक्किया बनाकर तैयार कर लिए। अब हम इनको करते हैं फ्राई। देखिए फ्रेंड्स, मटर की टिक्किया को तलने के लिए मैंने यहाँ पे तेल को गर्म कर लिया है और इसको मैंने मीडियम हाई फ्लेम पे गरम किया है, और इस टाइम जो मेरा गैस का फ्लेम होगा वो भी मीडियम हाई फ्लेम होगा। अब हम इसके अंदर एक एक करते हुए जो हमने मटर की टिक्किया बनाई है वो डाल देंगे। अगर आप गैस का फ्लेम हाई रखेंगे तो जो हमारी टिक्किया है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी, इसलिए आप इसको मीडियम फ्लेम पे ही टिक्किया को फ्राई करें। देखिए, मैंने ये सभी टिक्किया डाल दी है इसके अंदर। अब हम इसको सिकने देंगे गोल्डन ब्राउन होने तक।
फ्रेंड्स, हमारी जो मटर की टिक्कियां है वो सिककर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं इनका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। मैंने इसको इस तरह से उलटते पलटते हुए ब्राउन होने तक इसको सेक लिया है मीडियम हाई फ्लेम पे। अब हम इसको प्लेट में इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से हम थोड़ा देर रोक के रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो वापस कढ़ाई में चला जाए। लीजिए फ्रेंड्स, हमारा गर्मा गर्म बटर से बहुत ही चटपटा और स्वादिष्ट नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। आप इसको जरूर ट्राई करिएगा और अपने दोस्तों में और अपनी फैमिली में शेयर जरूर करिएगा और रेसिपी को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। अब मैं आपको एक बार एक जो टिकिया है उसका कुरकुरापन दिखाती हूँ। हमारी जो टिकिया है वो बाहर से कुरकुरी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं इसका साउंड। और मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी मटर की टिकिया बनकर तैयार हुई है। आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। थैंक यू।